उज्जैन पुलिस और बदमाश गुर्जर में फायरिंग। बदमाश गुर्जर को लगी पैर में गोली। कौन है गुर्जर बदमाश, आज की इस वीडियो में सबको जानते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। चलिए कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर और उसके साथी ने पुलिस पर चलाई गोलियां। जवाबी फायरिंग में गुर्जर को लगी गोली। आपको बताया कि कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर और एक साथी ने बुधवार रात को विक्रम नगर ब्रिज पर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में अनमोल गुर्जर के पैर में गोली लग गई है। पुलिस ने उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। और वहीं दूसरी तरफ जो आरोपी थे उन सभी को भी गिरफ्तार कर लिया। इसमें ये जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश ऐसे हैं जो विक्रम नगर पुल के पास लोगों को धमकाकर कर उनसे लूटपाट की। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने बताया कि बुधवार रात को माधव नगर थाना प्रभारी मनीष लोधा को सूचना मिली थी कि विक्रम नगर ओवर ब्रिज पर कुछ बदमाश लोगों से मारपीट कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। इस पर TI लोधा टीम के साथ मौके पर पहुंचे तो बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। एक गोली पुलिस की गाड़ी पर जाकर लगी तथा दूसरी गोली लोधा के पास से निकल गई। हालांकि उन्हें गोली नहीं लगी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में गोली चलाते हुए कुख्यात बदमाश अनमोल गुर्जर पुलिस की गोली से घायल हो गया। वहीं उसके साथी उज्जैन पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं। अनमोल गुर्जर को जब गोली लगने के बाद उपचार के लिए जिला अस्पताल में लाया गया तो फिल्मी स्टाइल में स्ट्रेचर पर लेटे हुए फोटो खिंचवा रहा था। गुर्जर को गोली लगने की सिकंद तक नहीं थी। पुलिस कर्मियों का कहना है कि इसकी अभी भी हैकड़ी नहीं उतरी है। आपको बताएं कि अनमोल पर दर्ज हैं 12 मामले। जी हां दोस्तों, पुलिस ने बताया कि अनमोल के खिलाफ 3 अक्टूबर को ढांचा भवन में रहने वाले एक व्यक्ति से जबरन चंदा उगाही के मामले में केस दर्ज किया था। अनमोल के साथी रौनक गुर्जर, रोशन गुर्जर व उनके पिता मनोहर गुर्जर के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया और अनमोल तथा रोशन गुर्जर इस मामले में फरार चल रहे थे, उनको भी अब गिरफ्तार है। 3 साल पहले रौनक और रोशन गुर्जर का किया था एनकाउंटर। बता दें कुख्यात बदमाश रौनक और उनके भाई रोशन गुर्जर का 2 जून 2019 को उज्जैन पुलिस ने एनकाउंटर किया था। उस दौरान रौनक व रोशन दोनों पैरों में गोलियां लग गई थी। पुलिस ने उस वक्त भी अनमोल गुर्जर को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने गुर्जर भाइयों के अलावा 6 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच गहनता से कर रही है। और दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो गुर्जर नाम आ जाता है तो वहां पपला गुर्जर और गैंगस्टर अजय गुर्जर पलवल का नाम तो आता ही है बदमाशी की दुनिया में, और एक जगन गुर्जर भी हैं। तो दोस्तों यह था पूरा मामला। आपको वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं यार। सब्सक्राइब करते नहीं हो 50,000 सब्सक्राइब करा दो प्लीज यार जल्दी।